बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। राज्य के लोगों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली है। वहीं राजधानी पटना समेत राज्य के कई इलाकों में हुई बारिश के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। इसी कड़ी में अब मौसम विभाग ने बुधवार को भी बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बता दें चले कि मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत कई जिलों में बुधवार को बूंदाबांदी तो कई जिलों में तेज हवा के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, अररिया और किशनगंज में ओलावृष्टि भी हो सकती है। बताते चले आपको कि पटना में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होगी और आकाश में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही गुरुवार को पटना में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान है। जानकारी हो कि मंगलवार को हुई बारिश के कारण पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों के अधिकतम तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पटना के अधिकतम तापमान में 7.5 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज रहा। पटना में कई स्थानों पर सुबह 10:30 फिर 11:30 के आसपास बूंदाबांदी हुई। वहीं 1 बजे दिन में मौसम साफ हुआ और धूप निकली, लेकिन धूप में तलखी नहीं थी। इधर मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण बिहार और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके साथ ही एक ट्रफ समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बिहार छत्तीसगढ़ की ओर गुजर रहा है, जिसके कारण अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग, दक्षिण पश्चिम व दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा होगी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। तो वहीं जहां बीते दिनों झुलसती हुई गर्मी पड़ रही थी बिहार में, वहीं अब मौसम जो है काफ़ी सुहाना हो गया है और मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान जताया जा रहा है कि बुधवार को भी बूंदाबांदी की संभावना है। राजधानी पटना समेत अन्य कई जिलों में बारिश के कारण मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है और इसी कड़ी में अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बुधवार को भी बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।